हेलो फ्रेंड, मैं हूँ चंदन रावत और आप देख रहे हैं चंदन चैट बस्टर। तो आज हम घूमने आए हैं, पता है आपको कहाँ? ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्या खास बात है इस यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की क्या खास बात है? बहुत ही गजब की खास बात है, तो यहाँ जानेंगे थोड़ी देर में हम। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा कैंपस है स्टेट यूनिवर्सिटी का, शानदार कैंपस दिख रहा होगा आपको। ये है पीछे हमारे एक काउंसलिंग स्टेज, यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। नए स्टूडेंट जो है भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद एडमिशन लेते हैं। उसके बाद ये बीच में कोर्ट, और ये कोर्ट काफ़ी अच्छा है, छोटा सा बीचों बीच है कोर्ट है छोटा सा, जो यहाँ से टूटा हुआ कुछ दिख रहा है। तो इसमें मैंने दो दिखे हैं, एक इधर साइड है, दूसरी साइड है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंटों में काम होता है, यहाँ से रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड किसी भी टाइप का, हर टाइप का, क्योंकि हर टाइप का यहाँ पर काम किया जाता है। पूरा ऑफिस है, यहाँ पर आ गए हम काउंसलिंग के पास। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पीछे जो है यहाँ पर कुछ स्टाफ रहने वाले होते हैं, यहाँ पर खाना पीना होता है, स्टाफ यहाँ पर रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा जानकारी। ये यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो है हमारे यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और ये जो है अभी करीब दो साल पहले यानी कि 17 जून 2016 को बना था, स्टेब्लिश हुआ था। और इसके अंतर्गत पता है आपको, इसके अंतर्गत 562 यूनिवर्सिटी आती हैं एफिलेटेड। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो अंडर काम करती है यूजीसी के, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। और इसी तरीके से ये जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर सारे काम किए जाते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं मेन काम यहीं से होता है, यहीं सारी चीज़ें प्रोवाइड की बात कर लें। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको पता है 16,000 स्टूडेंट हैं, 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 400 डॉक्टरल के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की जो ब्रांचेज है वो पूरे यूपी में फैली हुई हैं, जैसे इलाहाबाद, कौशाम्बी, कानपुर, फतेहपुर, फैज़ाबाद, बहुत सारे। सबके ताऊ जी जो सबका ख्याल रखते हैं लेकिन इनका कोई ख्याल नहीं रखता है। और ये है उनके स्कूल और इनकी प्रतिमा, पूरा का पूरा बोर्ड ही साफ हो गया है, तो इनका नामो निशान जो है मिट गया है, सिर्फ निशान बचे हैं। इस यूनिवर्सिटी की सिंपल सी बात यही रही कि ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। दिखाता हूँ, ये देख, लगता है सालों हो गए इसको, लेकिन 2 साल हुए हैं, 17 जून 2016। और ये यूनिवर्सिटी कुछ इस तरीके से दिखती है, लंबी सी गाड़ी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी यूनिवर्सिटी और कैसा है इसका हाल? हाल तो काफ़ी अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले ज़रूर से। और अभी तक क्या बताएं हम, मिस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। See you, bye and take care.